नमस्कार जी, मेरा नाम सरजीत सिंह है। मैं इंजीन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में एक रीजनल सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं करनाल रहता हूँ। आज मैं आया हूँ यहाँ पे जिला रोहतक गांव घरोट, यहाँ पे हमने एक, ये रविंदर जी है, इनके खेत में आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले हमने एक नैनोजी मैक्सचूड का, जो कि हमारा एक इंजीन का एक उत्पाद है, उसका हमने इनके खेत में एक डेमोस्ट्रेशन लगाया था। तो आज मैं और मेरे साथ मिस्टर पंकज सर, जो नेशनल सेल्स मैनेजर है जो मुंबई में रहते हैं, और मिस्टर प्रहलाद मलिक जे जोनल मैनेजर, ये बेस्ड एट अम्बाला रहते हैं। मेरे साथ है मिस्टर सचिन कुमार त्यागी, ये हमारे यहाँ पे टेरिटरी मैनेजर जो जींद रहते हैं। मिस्टर पुनीत मलिक, ये जो हमारा लखन माजरा और जो जुलाना है, इनके एरिया इंचार्ज है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं कि जो हमने 12 दिन पहले जो इन्होंने एक्सट्रूड का डेमोन्स्ट्रेशन जो इस खेत में लगाया था, तो उसका क्या रिजल्ट मिला, तो क्या इसके कैसे रिजल्ट इसके दिखाई दे रहे हैं और क्या कुछ इसका बेनिफिट हुआ। तो ये चीज़ मैं रविंदर जी से आग्रह करूँगा कि जो खेत में जो सही मायने में आपको जो इसका रिजल्ट दिखाई दिया है, वो कैसे दिखाई दिया, तो थोड़ा सा वो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। तो रविंदर जी, एक आपका मोबाइल नंबर क्या है और गांव कौन सा है? मेरा गांव ग्रोटी है, मेरा नाम रविंदर है, मेरा मोबाइल नंबर है 9050-61-40-16। खेती आप कितने साल से कर रहे हो जी? खेती मैं कर रहा हूँ जी करीब 10-12 साल से। और कितने एकड़ धान लगा हुआ है? धान जी 50 एकड़ धान लगा हुआ है। तो कौन सी वैरायटी है जी ये? 17-18 और PR लगाता हूँ। अच्छा, तो आपने सर ये जो एक्सट्रूड के लिए, मतलब कैसे आपने दिमाग में आया आपके कि एक्सट्रूड को डालना है जी? ये देखने के लिए मैं गया था, उनको देखा था मैंने ये। अच्छा जी, तो सुना था, बताया था, फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया। किसने बताया था आपको? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट किया था, फिर उन्होंने डेमो लगवाया, उन्होंने डेमो लगवाया था। अच्छा, अभी पहले डेमो लगा दो, उसके बाद देखेंगे। कितने दिन हो चुके? आधे एकड़ में डेमो लगा था करीबन 10-12 दिन पहले। रविंदर जी, किस चीज का डेमो लगाया था, क्या नाम है इसका जो आपने डेमो डाला है? नैनोजी मैक्सटूड। वो मैंने जी उसके फोटो खींच रखी है, वो उसके लिख रखा है जी मैंने। अच्छा, चलो कोई बात नहीं हो, मतलब आपने इस खेत में जैसे आधे एकड़ में खेत में लगा था, इसी समय ये अनट्रीटेड प्लॉट है और ये ट्रीटेड प्लॉट है जहाँ पर हमने आधे एकड़ में जो है इसका डेमो लगा था एक्सटूड का। तो ये रविंदर जी है, ये बताएंगे कि डालने से पहले कैसा खेत कैसा था? किला बहुत हल्का था उस साइड में और इस साइड में ठीक था। कारण ये था, उस साइड में पानी खड़ा हो जाता था, इस साइड में थोड़ा हल्का पानी जाता, खाद वाई भी मतलब फर्क रहता था उस साइड में। इसके डालने के बाद बढ़िया रिजल्ट आ रहा है जी आज के। तो उसमें कल्ली का फुटा वो लगभग गिना है अभी, वो लगी सचिन ने अभी जो भी गिना था, जहाँ पे एक्सट्रूड नैनोजिम एक्सट्रूड का हमने डेमोस्ट्रेशन दिया था, वहाँ पे नियर अबाउट 27 टिलर थे, और जहाँ पे नहीं डला हुआ है जो आपने अपने हिसाब से किया, कितने थे? 21 किसी देना, मैं अगर मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, तो जहाँ पे डाला था वहाँ पे 27 टीलर थे, जहाँ पे नहीं डाला वहाँ पे 21 टीलर थे। अगर टीलर ज्यादा हो जाए तो उससे क्या फायदा होगा जी? पैदावार बढ़ेगी जी। पैदावार बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, पैदावार बढ़ेगी जी। तो उस ज्यादा वाली आएंगी, ज्यादा फुटा हुआ, ज्यादा वाली आएंगी। तो कितना फर्क था डालने से पहले जी खेत के अंदर? डालने से पहले बहुत फर्क था जी, साइड में तो बिल्कुल आधा यो बिल्कुल अलग ही दिख रहा था उस खेत में। और रविंदर जी तो ये बोल रहे थे कि मैंने तो अगर ये बराबर भाई इससे ऊपर छोटे इसके बराबर ही पूछा दो, फिर हालांकि इससे ऊपर है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है इसका। तो भाई क्या कहना चाहेंगे बाकी किसानों का इसके बारे में? ये देखिए ये है जी, इसमें नहीं डाला था मैंने, इसकी रूट जोन देखिए और इसमें डाल रखा था जी। ये ट्रीटेड है जहाँ पे एक्सट्रूड इसमें डाला गया था, तो रूट की लेंथ भी ज़्यादा लंबी है, इसमें ज़्यादा है वाइट रूट जोन। और अगर हम इसमें टिलर भी काउंट करते हैं दोनों में, तो कितने हैं टिलर एक बार काउंट करना इनमें? आप इसके गिने, मैं इसके गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोटे भी गिन रहा हूँ मैं, 7, 5, 6, 9, 10, 11, 8, 9, 12, 13, 14, 13, इसमें 14 है।
15 16 17 18 इसमें 18 इसमें जो ट्रीटेड है उसमें एक्सट्रूड से ट्रीट किया गया है, इसमें 14 एक चीज और 18 है, एक चीज और दिखाना चाहेंगे सर, तीनों के साथ साथ अनट्रीटेड में 14 है। जो कलर का जो डिफरेंस है, इधर जो है बिल्कुल नेचुरल ग्रीन है, ये आप देख लीजिए, और इधर जो है इसमें थोड़ा बहुत येलोनेस है। दूसरा जो पत्तियां हैं वो इस वाले में जहाँ पे नैनोजम एक्सट्रूड का डेमोस्ट्रेशन लगाया था, तो देखिए आप जो पत्तियां हैं काफ़ी चौड़ी है, और इधर पत्तियां कैसी है आपके सामने। पंकज सर आप कुछ बोलना चाहोगे, पूछना चाहोगे? नहीं अब ये जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया कि वो काफ़ी जो प्लॉट था एकदम दबा हुआ था, और इनकी अपेक्षा थी किसी तरह से वो चल पड़े, बराबरी हो जाए तो चैलेंज बराबर हो जाएगा, तो मखान लगवा लेंगे डॉक्टर साहब, ले आएंगे। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाई मैं तो यही कहूंगा भाई, यही दवाई ले और यही घेरो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है इसका। ये देख अब तक पहले रिजल्ट आ लिया इसका, और इसमें दिन रात का अंतर है, बढ़ाओ मैं भी फुटाओ मैं भी, तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया ले आओ, थोड़ा खर्चा और पैदावार ज्यादा। नाम क्या है इसका, अभी आप नाम ध्यान रखिए, नाम ताकि कोई दूसरे आपके मित्र को बताना है। तो नाम इसका नैनोजिम एक्सट्रूड है, नैनोजिम एक्सट्रूड जो कि इंजीन कंपनी का एक ये उत्पाद है, बायोलॉजिकल है, प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। बाकी रिजल्ट आपके सामने। चलो ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।